मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के अवसर पर शास्त्री चौक स्थित जिला सहकारी बैंक में कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने एलईडी लगाकर उनके शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण देखा, जिसके संबंध में जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण उत्सव के रूप में मना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार, गरीबों के मसीहा तथा गरीबों के लिए काम करते हैं और गुंडों का खात्मा करते हैं तथा योगी राज में बच्चे, औरत, लड़कियां सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और गरीबों को हर तरह की सुविधा, मकान, शौचालय, राशन दिया गया है और योगी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, इसलिए दोबारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और अपने उत्तर प्रदेश का फिर से विकास होगा। इस अवसर पर उपसभापति कौशल किशोर सिंह, राधेश्याम चौधरी, प्रभाकर द्विवेदी, जितेंद्र प्रताप सिंह, हरिकेश सिंह, नरसिंह चौरसिया, विजय प्रकाश शुक्ला, राम हरीश सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह ने कहा, दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है मुख्यमंत्री का, तो हम लोग इसीलिए उस उत्सव को मना रहे हैं। किस तरह से आप लोगों के मन में इसको लेकर के विचार है, क्या है, मतलब क्या खुशियाँ किस तरह योगी जी गई हैं? योगी जी को एक ईमानदार और गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीबों के लिए काम करते हैं और गुंडों के लिए वो हर तरह से उनका दमन किए हैं और जो भी छिनैती होती थी और ये चैन चैन खींच करके जो लोग ले जाते थे औरतों से, वो सब बंद हो गया है। औरतें, लड़कियां, बच्चे अबेर सवेर रात बिरात कभी भी आराम से घूम रहे हैं, कोई इस तरह की अब घटना नहीं घट रही है। और गरीबों के लिए ये राष्ट्र, ये वोट जो अब वोट मिला है जिसे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, वो केवल राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और गरीबों की मदद के लिए हर तरह, जिसे गरीब के लिए हर तरह की सुविधा दी गई है, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो घर ये खाद्यान्न का हो, तो गरीबों के लिए सरकार काम करती है और गरीबों का इस सरकार पर बड़ा सभी तभी भरोसा है, तभी तो सारे लोग
एकजुट होकर के लग नहीं रहा था चुनाव के पहले इतनी बम्पर विजय सबको ऐसा नहीं पता, ये होता था कि महाराज जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इतने अच्छे स्थिति में सरकार बहुमत में आएगी ये लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन जो उन्होंने त्याग किया है, लोगों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, बिजली लोगों को जो नहीं मिलती थी पर्याप्त मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई समय से हो रही है, ठीक से पढ़ रहे हैं, हर तरह की सुविधा सबको है, तो इसी नाते योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाना उचित भी है और इसी से हमारे प्रदेश का विकास होगा। हमारा देखिए, हमारे देश का विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ है, रोड से लेकर के हर तरह की सुविधा हुई है, और गोरखपुर में तो आप देखिए फर्टिलाइजर स्टार्ट हो गया, एम्स हो गया, और भी तमाम चिड़ियाघर हो गया, तमाम चीज़ें यहाँ की हुई है, इसी तरह से पूरे प्रदेश में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जी ये एक तरह से देखा जाए 35 वर्षों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोबारा से एक ही मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ग्रहण जी है, तो कितनी खुशियां आप लोगों के मन में है और किस तरह से इसको देखते हैं आप लोग? ये तो हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए, क्योंकि ऐसे आदमी को जनता भी पसंद करती है, जब जनता पसंद करती है तो हम लोग तो इसके लिए बहुत खुशी है ही, क्योंकि महाराज जी गोरखपुर के हैं, इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा खुशी है इसके लिए।